तीन आपको दे दे रहे हैं मेरा पर्सनल जो अपना व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ उसमें आप ये सोचो कि भाई लीक लेकर आएंगे मेरे यहाँ ठीक है तो बढ़िया सर डिजिटल रहेगा अपना टीम भी मेडिकल फैसिलिटी में उसका स्थान और उसका ये खास तो हम लोग आज स्थान 100 के बाद आज जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी के निर्देश के आलोक में चकिया अनुमंडल के थोक विक्रेताओं की आज हम लोग बैठक किए थे। जिला पदाधिकारी का निर्देश था कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं उसका रेट बढ़ाकर बेचने की शिकायत आ रही थी। इस संदर्भ में हम लोगों ने सभी थोक विक्रेताओं से बात किया कि आप से जुड़े हुए जितने भी खुदरा विक्रेता हैं रिटेलर्स हैं उनको इस बात की सूचना दे दें कि ये जो निर्धारित दर है आप लोगों के द्वारा जो रेट निर्धारित किया गया है उस रेट पर ही अपना जो भी सामान है उसका बिक्री करें, अन्यथा अगर शिकायत मिलती है तो हम लोग जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है और साथ ही साथ जो कोरोना वायरस के तहत जो आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई है उस आपदा अधिनियम के तहत हम लोग आपके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने अनुरोध किया कि जो सोशल डिस्टेंसिंग जो हम आप सबों के बीच में करनी है कोरोना वायरस को देखते हुए तो आप लोग भी होम डिलीवरी सामानों की होम डिलीवरी प्रारंभ करें। अगर कोई भी व्यक्ति होम डिलीवरी के लिए आगे आता है तो उसका जो भी विवरण है वो विवरण हम लोग प्रकाशित करेंगे सभी लोगों को देंगे और एक नियत रेट पर उस व्यक्ति के द्वारा जो भी व्यक्ति याचना कर रहा है कि हमको फलाना चीज़ चाहिए वो उनके घर पहुंचाया जाएगा। कई व्यक्ति सामने आए हैं उन्होंने कहा कि हम इस पर पहल करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अपने यहाँ अपने अनुमंडल क्षेत्र में भी होम डिलीवरी अविलंब प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ कई समस्याएं उनकी थीं कि उनको सामान का उत्पादन वे स्वयं नहीं करते हैं कहीं दूसरे जगह से उनका सामान आता है तो वहाँ लाने और ले जाने के लिए गाड़ियों का परमिशन दिया जाए तो स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये निर्देश दिया जा चुका है। इसके लिए अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी DCLR ASDO और प्रखंड अंचल में प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी इसके लिए इंसिडेंट कमांडर नामित किए गए हैं उनके द्वारा भी इनको ये परिवहन के लिए परिचय पत्र के साथ साथ अनुमति पत्र भी निर्गत किया जाएगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों का आपस में हम लोगों ने डिस्कस किया और जो समस्याएं फील्ड में जो आ रही हैं इनको जो आ रही हैं उन समस्याओं को हम लोगों ने समझा बूझा उनके निवारण के लिए प्रयास किया और उन्होंने हमें यह आश्वस्त किया कि जो निर्धारित दर है उस निर्धारित दर पर हम लोग जितने भी 20 22 से 25 कमोडिटीज़ हैं उनका हम लोग विक्रय करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ने ये निवेदन किया कि आप लोग वॉलंटियरली आगे आएँ और जनता को राहत पहुंचाने वाली जो भी चीज़ें हैं सामने आकर उसको प्रदान करें और इसमें प्रशासन का सहयोग करें और सब लोगों ने हम सबको आश्वस्त किया है कि हम लोग इस आपदा की घड़ी में सब लोग मिलकर के काम करेंगे और इस आपदा से ईश्वर की कृपा से सब लोग हम लोग निकलेंगे। गैस उपभोक्ता और गैस एजेंसी के संबंध में कुछ कहना चाहिए? जी, हमारे यहाँ गैस जो उपभोग जो वितरक हैं दो वितरक मुख्य रूप से यहाँ पर हैं कृष्णनंदन गैस एजेंसी और आरती गैस एजेंसी दोनों के मैनेजर इस बैठक में उपस्थित थे। उन लोगों के द्वारा बताया गया कि जैसे कृष्णनंदन गैस एजेंसी ने बताया कि हमारे पास 24 से 25 हज़ार ग्राहकों का बेस है और उतनी मात्रा में हमें गैस उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कल और आज दोनों दिन हमारी बात एरिया सेल्स मैनेजर इंडियन से बात हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो प्रतिदिन इनको दो लॉरी यहाँ से जाएगी और एक लॉरी आज आई है और एक रास्ते में है इन्होंने बताया और संभवतः आज और कल में हम लोग ये समस्या से निजात पा जाएंगे।
आरती गैस एजेंसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ जो लोग यहाँ बैठे हुए थे उन्होंने एक अनुरोध किया कि जो कृष्णनंदन गैस एजेंसी का जो गोडाउन है वहाँ से वितरण नहीं कराया जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हो जा रही है। तो हम लोगों ने खासकर अनुमंडल प्रशासन ने निर्देश दिया उनको कि आप अपने गोडाउन से गैस के वितरण नहीं करें, और होम डिलीवरी जो आपको पहले भी बोला गया है, आपकी गाड़ियाँ जितनी गाड़ियाँ चाहिए उसके गाड़ियों को परमिशन परमिट हम लोग यहाँ से देंगे, आप एक बीट बना लें और उस क्षेत्र में उतनी गाड़ियाँ भेजें और लोगों को गैस की किल्लत से जल्दी निजात दिलाएं। प्रशासन से जो भी आपका सहयोग है और प्रशासन आपको सहयोग देगा। किया गया माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, इसको लोगों का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, और इसलिए आप लोग भी देख रहे होंगे लॉकडाउन के अनुपालन में अधिराज अनुमंडल में स्थिति बहुत संतोषजनक है, लोग उसका शिद्दत से पालन कर रहे हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी आए हैं जिसमें लोगों ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा है, एक मौके के रूप में देखा है अपने निजी लाभ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए। ऐसे ही मामलों की हम लोग पड़ताल भी कर रहे हैं। वैसे तो अभी तक कालाबाजारी जमाखोरी के जो आरोप लगे हैं, जो शिकायतें आई हैं, उसमें कोई प्रमाणित नहीं हुआ है। हमारी टीमें, हमारे धावा दल रेड कर रहे हैं लगातार। आज मैं और SDPO अधिराज स्वयं एक भ्रमण के क्रम में हम लोगों को शिकायत मिली थी कि एक डीलर के द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी की जा रही है। उसका हम लोगों ने स्वयं सत्यापन किया, आरोप सत्य पाया गया, और जितना स्टॉक होना चाहिए था उससे आधा स्टॉक ही मिला भंडार में, बाकी का कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जा सका। स्पष्ट है कि खाद्यान्न की कालाबाजारी हो रही है कहीं ना कहीं कुछ डीलरों के द्वारा। उक्त डीलर के विरुद्ध महामारी एक्ट 1897 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। और आप सबों के माध्यम से मैं सभी व्यवसायियों से अपील करता हूँ, ये कहते हुए, इस बात पे जोर देते हुए कि अब तक अधिराज अनुमंडल में व्यवसायियों का अभूतपूर्व समर्थन हम लोगों को मिला है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि अपने बीच में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कलंकित लोग हैं, जो लोगों की इस तकलीफ को एक मौके के रूप में भुनाना चाहते हैं, उनको बहिष्कृत करें, खुद उन पर रोक लगाएं, उनके बारे में जानकारी साझा करें। और मैं आश्वस्त करता हूं पूरी अधिराज की जनता को कि ऐसे जो भी मामले आएंगे उनमें कठोरतम संभव कार्रवाई।